आप सभी को सुप्रभात। आज हम लोग जल नीति सीखेंगे। आज के दिन में जल नीति एक बहुत ही ज़रूरी क्रिया बन चुका है, अगर जिसमें हम लोग अपने नाक की सफाई करते हैं, जो नोस्टल ट्रैक्स है उसमें एक्चुअली हमारा कभी सफाई नहीं हो पाता, तो जल नीति में वो चीज़ की हम सफाई करते हैं। और जिससे कि अगर कोरोना वायरस कहीं भी यहाँ पे कहीं भी रहता है तो वो फ्लश आउट हो जाता है। और दूसरा चीज़ है कि अगर किसी को नाक से जुड़ी कोई भी समस्या है, लाइक साइनस, सर दर्द होता है, या एलर्जी से रिलेटेड कोई भी समस्या है जिससे बार बार छींक आती है, वो समस्या इससे एकदम सॉल्व हो जाती है। तो ये जो है अभ्यास बहुत ही ज़रूरी है और सबको करना चाहिए, और आज के टाइम में तो दिन में 2 बार करना चाहिए। तो पहले देखते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमको इसके लिए चाहिए एक नेति पात्र चाहिए। ये नेति पात्र मेरा प्लास्टिक का है, इसका इसमें स्टील का भी आता है, उसके बाद तांबे का आता है, तांबे का बहुत ही अच्छा रहता है तांबे का पात्र, और उसके अलावा स्टील का भी आता है, और ये प्लास्टिक का है। इसमें साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, तांबे में आपको ज़्यादा साफ़ सफाई रखने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो नेति में हम लोग क्या करते हैं कि ये पहले तो हल्का एकदम हल्का गर्म पानी लेते हैं, हल्का गर्म रहे, नॉर्मल एकदम जस्ट टच करें तो थोड़ा गर्म लगे, और उसमें थोड़ा सा सिंधा नमक डालते हैं, 1 चुटकी नमक, 1 लोटे में 1 चुटकी सिंधा नमक डालते हैं, और फिर हम लोग नेति प्रक्रिया चालू करते हैं। तो नेति में पहले तो जो है हम लोग एक नाक में ये डालेंगे पानी, एक नाक से ऐसे झूक के डालेंगे और दूसरे नाक से निकलेगा। जो नाक ज़्यादा चल रही हो, हमारी नाक कभी एक कम चलती है, एक ज़्यादा चलती है, और कभी दूसरी कम चलती है, कभी पहली ज़्यादा चलती है, तो देख लें कि कौन सी नाक ज़्यादा चल रही है, उससे पहले हम चालू करेंगे। तो इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि हमको ऐसे उकड़ू मुकड़ू बैठ जाना है और अपना जल ले लेना है, और उसके बाद जो है हमको इस क्रिया के दौरान हमको केवल मुंह खुला रखना है और मुंह से ही सांस लेना है, नाक से सांस नहीं लेना। नाक से सांस लेंगे तो पानी ऊपर जा सकता है, जिससे आपको थोड़ा छींक या ये सब आ सकता है। तो हमको यही जो मेन बेसिक है बिगनर्स के लिए है कि हमको मुंह से भी सांस लेना है, मुंह खुला रखना है, नाक से सांस नहीं लेना है इस क्रिया के दौरान। तो आइए करते हैं, देखते हैं नेति। एक नाक से हो गया तो फिर हम दूसरे नाक से चालू करेंगे। आपने देखा ना कैसे करना है, हमको मुंह खुला रखना है और जो है मुंह से सांस लेना है,
अब एक नाक हो गया तो दूसरी नाक से हम लोग करेंगे इसको नदी के। ये करने के बाद हम थोड़ा नाक को साफ कर लेंगे। थोड़ा पानी रह जाता है तो हम ऐसे ठोक सकते हैं थोड़ा। अगर कहीं भी थोड़ा भी पानी फंसा हुआ है तो वो निकल जाएगा। इसके बाद आप कपालभाति प्राणायाम भी कर सकते हैं, जिससे कि जितना भी पानी अगर कहीं भी है तो वो आपके नाक से फ्लश आउट हो जाए। तो ये प्रक्रिया बहुत ज़रूरी है, हम सबको ज़रूर करना चाहिए, और ख़ासकर ऐसे टाइम पे जब ये महामारी चल रही है तो उस टाइम पे ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि हमारे नाक का ब्रश हो पाए। उसके बाद किसी को एलर्जी की समस्या है, बार बार छींक आती है, सर्दी रिलेटेड कोई भी समस्या है, उसमें ये प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग ज़रूर करें। आप अपने कमेंट्स कुछ भी है तो शेयर करिएगा। ये बिगनर्स के लिए एक ट्रेनिंग है, लेकिन जब आप करें तो किसी एक प्रशिक्षित योग टीचर के साथ इसको पहले शुरुआत करें। धन्यवाद।